दीदी जेना कि अहाँ हमरा बतेने छलौ कंप्यूटर में कोनो प्रोग्राम पर कार्य करय के लेल ऑपरेटिंग सिस्टम के व्यवस्था होय छै की अहाँ हमरा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता सकै छी। बिल्कुल रोहन, चलू हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में विस्तार से विचार करै छी। एक प्रोग्राम छै जे कंप्यूटर के अन्य प्रोग्राम में पारस्परिक संबंध स्थापित करय में हमरा सबके सहयोग करैत अछि। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोगकर्ता वा कंप्यूटर के मध्य एक माध्यम से एक कार्य करैत अछि। सब प्रोग्राम में चलाव के लेल ऑपरेटिंग सिस्टम के आवश्यकता होइत अछि, मुदा ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप चालू भ जाइत अछि। कंप्यूटर के चालू करैत समय ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप चालू भ जाइत अछि। ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन काज ई कंप्यूटर के नियंत्रण करैत अछि और सब भाग के उचित संबंध में मिलाबैत अछि। ई उपयोगकर्ता व कंप्यूटर के मध्य पारस्परिक संबंध के सुगम करैत अछि। ई इनपुट व आउटपुट यंत्रों के नियंत्रित करैत अछि। एहि कंप्यूटर प्रोग्राम के निष्पादन के नियंत्रण करैत अछि। ई कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी के प्रोग्राम के व्यवस्था रखैत अछि। ई फाइल के व्यवस्था राखा या फिर ओहि में काम करय में अहाँ के सहायता करत। ऑपरेटिंग सिस्टम के दू हिस्सा में विभाजित केल गेल छे। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, एकर शॉर्ट नेम CUI, ग्राफिकल डेस्कटॉप वाले स्क्रीन वा ऊ भाग अछि जे में अहाँ कंप्यूटर लगन कर पर देखाइत अछि। आइकन के पाछा देखा वाला चित्र दृश्य के वॉलपेपर अथवा डेस्कटॉप के पृष्ठभूमि कहैत अछि। जब अहाँ अपन कंप्यूटर के कुछ समय के लेल निष्क्रिय छोड़ दै छिए तऽ एक चित्र अथवा लेख के चल चित्र के प्रदर्शित होइत अछि, ऐसा स्क्रीन सेवर कहैत अछि। अहाँ अपन कंप्यूटर के वॉलपेपर अथवा डेस्कटॉप के पृष्ठभूमि आइकन के अपन इच्छा से चित्र और पृष्ठभूमि बदल सकै छी। पहिल डेस्कटॉप के खाली स्थान पर माउस के दायां बटन दबाओ, तत्पश्चात सूची के पर्सनलाइज विकल्प पर क्लिक करो, तत्पश्चात डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर क्लिक करो, डेस्कटॉप के पृष्ठभूमि पर क्लिक करो, तत्पश्चात चित्र वा चयन करो और ओइ में डेस्कटॉप के पृष्ठभूमि के नियत करो, अंत में सेवा या सुरक्षित सेव चेंजेस बटन दबा के परिवर्तन के सुरक्षित करो। यदि अहाँ डेस्कटॉप के स्क्रीन सेवर परिवर्तन करय चाहे छी तऽ एहि प्रक्रिया के अपनाओ। पहिल डेस्कटॉप के खाली स्थान पर माउस के दायां बटन दबाओ, तत्पश्चात सूची के वैरिक विकल्प पर क्लिक करो, डेस्कटॉप के स्क्रीन सेवर लिंक पर क्लिक करो, तब स्क्रीन सेवर के ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करो, सूची से स्क्रीन सेवर चुनो, तत्पश्चात स्क्रीन सेवर चालू कर के लेल वेट कमो वक्स में प्रतीक्षा समय में मिनट निर्धारित करो। तब अहाँ प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर के स्क्रीन सेवर के प्रीव्यू देख सके छी। तब अहाँ अप्लाई बटन पर क्लिक कर के स्क्रीन सेवर चुनो, अंत में सेवा या सुरक्षित बटन दबा के परिवर्तन के सुरक्षित करो। अहाँ के नया स्क्रीन सेवर सेव भौ जाय। अब रोहन ई याद रख के एक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम वा व्यक्तिगत कार्यक्रम के लेल उपलब्ध कोनो सूचना के फाइल कहते छ। एक फाइल एक दस्तावेज चित्र संगीत या चलचित्र भ सकैत अछि। बहुत सारा फाइल के एक स्थान पर राख के लेल अहाँ एक फोल्डर बनाब सकै छी।
अहा कंप्यूटर के कोनो भी ड्राइव में फाइल या फोल्डर बना सकी छी। फाइल या फोल्डर बनाव के पश्चात अहा ओकरा नाम बदल सके छी, फिर ओकरा प्रतिलिपि बना सके छी, ओकरा कतो चाहे अहा पोस्ट कर सके छी और आवश्यकता अनुसार अहा डिलीट सेहो कर सके छी। हम कोनो ड्राइव में एक नया फोल्डर कोना बनेबै? आसान छे, बस निम्न प्रक्रिया के अपनाओ। पहले स्टार्ट बटन के दबा कर स्टार्ट मेनू के खोलू, तब कंप्यूटर विंडो या विंडोज एक्सप्लोरर प्रदर्शित कर के लेल कंप्यूटर पर क्लिक करू, तब डी ड्राइव में उपलब्ध सामान देखा के लेल क्लिक करू डी ड्राइव पर। नया फोल्डर बनाव के लेल मेनू बार में नया फोल्डर पर क्लिक करू, नया फोल्डर के नाम दो सके छी और इंटर दबाऊ। अहा फोल्डर के अंदर भी फोल्डर बना सके छी, जकरा सब फोल्डर कहते अछि। एक फोल्डर के चयन करू और ओकरा खोलू और ओकरा खाली स्थान पर राइट क्लिक करू, तब पॉप अप मेनू प्रकट होत, ओहि पर सबसे पहले नया पर क्लिक करू और फिर फोल्डर चुनू। एक फोल्डर सूचित भ जात। फाइल फोल्डर खोले के लेल निम्न के अनुसरण करू। पहले स्टार्ट बटन के दबा स्टार्ट मेनू के खोलू, तब कंप्यूटर विंडो या विंडोज एक्सप्लोरर प्रदर्शित कर के लेल कंप्यूटर पर क्लिक करू, तब डी ड्राइव में उपलब्ध सामग्री देखा के लेल डी ड्राइव पर क्लिक करू, तब जय फोल्डर के अहा खोले चाहे छी वही पर डबल क्लिक करू। वही फोल्डर के अंदर जय सब फोल्डर या फाइल के अहा खोले चाहे छी वही पर फिर से डबल क्लिक करू। जब अहा डी ड्राइव में फोल्डर सब फोल्डर फाइल बनवे छी, तो संचालित रूप से न्यू फोल्डर न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से संरक्षित भ जायत अछि। फोल्डर या सब फोल्डर या फाइल के नाम बदल के लेल ओहि पर अहां राइट क्लिक करू, फिर नया पॉप अप में नाम परिवर्तन करू, फिर अपन नाम चुनू, नया नाम लिखू और इंटर दबाओ। फोल्डर या सब फोल्डर या फाइल के नाम परिवर्तन भ जात। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ सहायक सामग्री होइत अछि जे अत्यंत उपयोगी होइत अछि। हम अइ उपयोगी सामग्री में से कुछ विषय में सीखै छी। अइ उपयोगी सामग्री के देखा के लेल निम्न निर्देशन के पालन करू। पहले स्टार्ट बटन के दबा स्टार्ट मेनू के खोलू, तहां माउस से ऑल प्रोग्राम पर चिन्हित करू, ओकर बाद एक्सेसरीज पर क्लिक करू। ओहि ठमन बहुत एक्सेसरीज के सूचना होइत अछि। संबंधित एक्सेसरीज पर क्लिक करू। पेंट के प्रयोग चित्र के बनाव या फिर परिवर्तन कर के लेल फोटो देखा के लेल होइत अछि। अहा पेंट के प्रयोग रिक्त पेंट क्षेत्र में चित्रकारी कर में अथवा मौजूदा चित्र में चित्रकारी कर में कह सके छी। अहा चित्र के प्रति लक कोनो अन्य प्रतिलेख पर चिपका या पोस्ट कह सके छी। दीदी, हम पेंट के प्रयोग कोना करबे? पेंट के उपयोग कर के लेल सबसे पहले स्टार्ट बटन के दबाओ। स्टार्ट बटन मेनू के खोलू, तहां माउस से ऑल प्रोग्राम पर चिन्हित करू, एक्सेसरीज पर क्लिक करू और पेंट के चुनू, तब पेंट विंडोज देखाई लागत। अहा देखबे कि पेंट विंडोज चार हिस्सा में विभाजित छे। पेंट बटन, क्विक एक्सेस टूलबार, ड्राइंग एरिया एंड रिबन। पेंट बटन के साथ अहा कई तरह के काम कर सके छी। पेंट बटन के विभिन्न विकल्प छे, ओपन, न्यू, सेव, प्रिंट। क्विक एक्सेस टूल बार अक्सर प्रयोग में आबे वाला उपकरण छे, जेना कि सेव, रीडू और अंडू, तुरंत उपलब्ध कराबा में अहां के सहायता करत।
रिबन में दू टा टेब होत होम और व्यू। होम टेब ओई उपकरण के उपलब्ध करबत जे चित्र बनाव अथवा ओई में सुधार में प्रयुक्त होत क्लिपबोर्ड इमेज ब्रश टूल शेप और कलर आदि होत। क्लिपबोर्ड में तीन विकल्प होत कट कॉपी व पेस्ट जिनका विकल्प के प्रयोग अहा पेंट पर चुनल गेल वस्तु के काट सके छी प्रतिलिपि या प्रतिबिंब बना सके छी अथवा चिपका सके छी। ई विकल्प एक ही विषय के कई बेर प्रयोग करे में अहा के सहायता करत। प्रतिबिंब के चुनाव अहा के ओई विषय के चुना व संपादित करे में सहायता करत जै के अहा चयनित कर चाहे छी काट छाट कर चाहे छी आकृत में परिवर्तन कर चाहे छी हाँ अथवा घुमाव चाहे छी। उपकरण टूल के चयन अहा के विभिन्न उपकरण उपलब्ध करा सकते है जै में अहा आकृत बना व संपादित कर सके छी। एकटा ई उपकरण छे पेंसिल रंग भर के लिख के मिटाव के रंग उठाव के और बड़का बनाव के। ब्रश में नीचा के और खुला वाला एक मीनू होत जै में अहा चित्र बनाव के लेल विभिन्न प्रकार के ब्रश के चयन कर सके छी। आकृतिया विकल्प से अहा अपने चित्र के विभिन्न आकृतिया द सके छी। रंग विकल्प से अहा अपने चित्र में विभिन्न रंग भर सके। दीदी अहा तो ये भी कहने छलो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो के विरित अत मुफ्त ऑपरेटिंग सिस्टम भी उपलब्ध छे कि अहा ई के बारे में बेसी ज्यादा जाने छिए। हाँ रोहन लाइन बॉक्स एक बहुत प्रसिद्ध मुक्त अथवा खुलल स्रोत ऑपरेटिंग सिस्टम छे। अहि सॉफ्टवेयर सब के लेल मुफ्त अछि और इंटरनेट से डाउनलोड भी कैल जा सकैत अछि। चलू हम अहि पर एक नजर डालै छी। लाइनक्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो जेना दोसर ऑपरेटिंग सिस्टम के तरह होत अछि। लाइनक्स की सबसे खास बात ई छे कि ई बहुत ही गतिशील छे आ उपयोगकर्ता अइ सॉफ्टवेयर के विकसित कर के और संशोधन कर के अथवा प्रयासरित कर के लेल स्वतंत्र छे। लाइनक्स के दू अलग अलग तरीका से प्राप्त कैल जा सकत अछि फ्री डाउनलोड अथवा वितरण के उपयोग क। लाइनक्स दुनिया भर में करोड़ों उपयोगकर्ताओं द्वारा सफलतापूर्वक उपयोग कैल जा रहल अछि। लाइनक्स के सब आवश्यक भाग के इंटरनेट में बिल्कुल मुफ्त डाउनलोड कैल जा सकत अछि। वितरण लाइनक्स उपयोग कर के एक वैकल्पिक रास्ता छे जे विभिन्न कंपनियों द्वारा पेश कैल जाय छे और अइ में विविध प्रकार के एप्लीकेशन व इंस्टॉल कर वाला प्रोग्राम जोड़ल रहत अछि। लाइनक्स के अधिष्ठापन के आसान कऽ देत अछि। एक बहुत ही सुप्रसिद्ध लाइनक्स के वितरणकर्ता होत अछि जकरा अबंटू कहत अछि जे कैनोनिकल कंपनी द्वारा वितरित कैल जायत अछि। आब अपना सबके अबंटू के बारे में सीख चाहिए। अबंटू एक स्वतंत्र मुफ्त सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म छे जे स्मार्टफोन टैबलेट और कंप्यूटर के द्वारा हर जगह चलायल जायत अछि। अबंटू में एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या GUI होत अछि जे अइमे विंडो अथवा एंड्राइव
जेना दोसरे प्रचलित ऑपरेटिंग के जेका बनैत अछि। डिफॉल्ट डेस्कटॉप वातावरण के रूप में यूनिटी के उपयोगकर्ता छे। यूनिटी डेस्कटॉप पृष्ठभूमि और दू बार रखैत अछि, जेकरा मीनू बार लंचर कहैत अछि। मीनू बार डेस्कटॉप के शीर्ष पर स्थित सहजित पट्टी अछि। लंचर एक खाड़ पट्टी पर अछि जे मीनू बार के दायां तरफ अछि। मीनू बार में सामान्य कार्य शामिल होइत अछि जे अबंटू में 12-10 में उपयोग होइत अछि, जे आइकन्स मीनू बार के दाहिना तरफ होइत अछि और ओइ के इंडिकेटर एरिया कहैत अछि। कीबोर्ड सूचक अहाँ के कीबोर्ड लेआउट चुनय के और कीबोर्ड के प्राथमिकताओं के बदल के अनुमति देते है। संदेश सूचक में सब सोशल एप्लीकेशन के शामिल कल जाते है, जे तत्काल इंसेटेड मैसेंजर क्लाइंट, ईमेल क्लाइंट, माइक्रो ब्लॉइंग एप्लीकेशन और दोसर सामान्य एप्लीकेशन के सम्मिलित करत है। नेटवर्क इंडिकेटर अहाँ के तार युक्त अथवा तार मुक्त नेटवर्क के आसानी से जोड़ और नेटवर्क कनेक्शन के प्रवर्धित कर के अनुमति देते है। साउंड इंडिकेटर प्रोब ध्वनि के मात्रा के रूप में नीक तरह से उपयोग में अपने म्यूजिकल प्लेयर और ध्वनि सेटिंग समायोजित कर के लेल एक आसान तरीका प्रदान करत अछि। घड़ी सही समय प्रदर्शित करत अछि और कैलेंडर समय और तारीख सेटिंग के उपयोग कर के लेल आसान तरीका उपलब्ध करवैत अछि। यूजर मेनू में अहाँ के अलग अलग उपयोगकर्ताओं और ऑनलाइन सामग्री और उपयोगकर्ता के खाताओं के बीच परिवर्तन कर के अनुमति देत अछि। एक सत्र या सेशन सूचक सिस्टम सेटिंग के उपयोग कर के लेल सॉफ्टवेयर अपडेट कर के प्रिंट डिवाइस के लक कर के लेल सेशन विकल्प प्रदान कर के कंप्यूटर के पुनः आरंभ कर के या नीक तरह से बंद कर के लेल आसान रास्ता उपलब्ध करवे। एप्लीकेशन मेनू एक प्रणाली अछि जत कोनो एप्लीकेशन में विभिन्न कार्य जेना परिवर्तन क देखब आदि निष्पादित कल जा सकैत अछि। अन्य जीयूआई वातावरण के विपरीत यूटिलिटी में आवेदन मीनू बार के दायां और स्थित अछि। एक विशिष्ट आवेदन के देख के लेल अहाँ सूचक प्रयोग कर के डेस्कटॉप के मीनू बार पर आवेदन आइकन के लेल माउस के स्थानांतरित कर सकै छी। ई डेस्कटॉप के मीनू बार में खुद के ऊपर राख कर एप्लीकेशन के सक्षम करैत अछि। अहि लेल ई एप्लीकेशन के देख और इस्तेमाल कल जा सकैत अछि। माउस के मीनू बार से दूर लक वा फीचर जे एप्लीकेशन दिखावैत अछि, एप्लीकेशन के मीनू केवल जब जरूरत होइत अछि या नेटबुक और लैपटॉप उपयोगकर्ताओं के लेल फायदामंद होइत अछि और अइ में अधिक मुफ्त वर्क स्पेस प्रदान करैत अछि। ऊर्ध्वाधर पट्टी के आइकन्स जे स्क्रीन के दायां तरफ होइत अछि लॉन्चर कहैत अछि। जब ई लॉन्चर चलायल जाइत अछि तो वो सक्रिय आइकन्स के एप्लीकेशनों के आसान पहुंचाबैत अछि। लॉन्चर में सबसे ऊपर पहिल आइकन डेस कहलावैत अछि, जे एक निर्णायक खोज वा मूल तत्व अछि।
लंचर से एक एप्लीकेशन के हटावे के लेल सबसे पहले एप्लीकेशन आइकन पर दहिना क्लिक करू, फिर आइकन से लंचर के चयन करू। डैश एक औजार छे जे के मदद से अहां कंप्यूटर पर एप्लीकेशन व फाइल के तेजी से पता लगा सके छी। डेस्क के पता लगावे के लेल लंचर के सबसे ऊपर वाला आइकन जे पर अबंटू प्रतीक चिन्ह बनल होए वही पर क्लिक करू। डैश आइकन के चयन करे पर एक और विंडो खुल जात जे में सबसे ऊपर सर्च बार देखा के साथ ही हाल में इस्तेमाल केल गेल एप्लीकेशन फाइल और डाउनलोड के सब संग्रह रहत। डैश अहां के स्थानीय स्तर व सुदूर के सूचना खोजे के अनुमति देत अछि। डिस्क के दो मुख्य विशेषता अछि, फाइल व फोल्डर खोज और एप्लीकेशन खोज। एक वर्क स्पेस से दोसर वर्क स्पेस पर जाय के लेल लंचर पर वर्क स्पेस स्विचर पर क्लिक करू। ई एप्लीकेशन अहां के एक वर्क स्पेस से दोसर वर्क स्पेस पर जाय के लेल अनुमति देत अछि। अधिकतम बटन एप्लीकेशन के विंडोज में पूरा स्क्रीन पर फैला देते छ। विंडोज के बंद करा के लेल विंडोज के ऊपर दायां कोना पर देल गेल क्रॉस बटन पर क्लिक करू। विंडो के वर्क स्पेस एम्हर उम्हर ल जाय वा हटावे के लेल माउस के पॉइंट के विंडो टाइटल बार पर ल जाओ और माउस के दायां बटन से क्लिक करो तथा दायां बटन के दबा कर रखो और विंडोज के खींचो। विंडोज के आकार बदल के लेल माउस पॉइंटर के विंडो सिर पर या कोना पर एना रखो जैसे माउस पॉइंटर दू तरफ तीर में परिवर्तन भ जाए जेकरा रिसाइज आइकन कहते अछि। माउस के दायां बटन में क्लिक ककर तथा दायां बटन के दबा कर राख कर विंडो के खींचो। कंप्यूटर पर फाइल के पता लगावे के दू तरीका अछि, सीधे लंचर के डेस्क के माध्यम से जै फोल्डर में फाइल राखल गेल होय ओकरा पता लगा कर ओहि तक पहुंच सकैत अछि। सामान्यतः उपयोग में लावा जाय वाला फोल्डर वा हाल में ही प्रयुक्त फाइल में फाइल वा फोल्डर टूल के प्रयोग कर सके छी। गो मेनू सामान्यतः प्रयोग में आवा वाला फोल्डर के सूची होते छी। गो में जा के लेल अपन माउस के बार पर सबसे ऊपर ला जाकर गो के चुनो, तब अई मेनू कंप्यूटर पर क्लिक कर अपन कंप्यूटर के फाइल खोजू। यदि अहां होम नेटवर्क स्थापित करे छी तो अहां के साझा केल गेल फाइल या फोल्डर के लेल मेनू में आइटम मिल जात। होम फोल्डर के प्रयोग व्यक्तिगत फाइल के संग्रहित करे के लेल केल जायत अछि। ई उपयोगकर्ता के लॉग इन नाम से मिलत अछि। अई में बहुत सारा उ फोल्डर होते छ जे इंस्टॉलेशन के दौरान अपने आप बन जाते छ। अई में डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, पब्लिक, टेम्पलेट्स एंड वीडियोस। जेना विंडो के पास फाइल वा फोल्डर खोज करे के लेल विंडो एक्सप्लोरर होते छ, बस वही प्रकार अबंटू फाइल वा फोल्डर के खोजा के लेल डिफॉल्ट विंडो में नोटी लिस्ट फाइल मैनेजर के प्रयोग करते अछि। दीदी, नोटी लिस्ट फाइल मैनेजर कहाँ है? बस
डेस्कटॉप पर एक फोल्डर पर डबल क्लिक करो। नॉटिलस फाइल मैनेजर विंडो खुल जाए। डिफॉल्ट विंडो में निम्न के विशेषताएं होत मीनू बार, टाइल बार, टूल बार, दाया पेन या बाया पेन। नोटिलस नेविगेट कर के निम्न पद फोल्डरों के बीच नेविगेट कर के लेल नोटिलस फाइल मैनेजर के दाएं पेन में बुकमार्क्स के प्रयोग करो। वापस जाए के लेल पथ बार में फोल्डर के नाम पर क्लिक करो। एक देखा वाला फोल्डर पर डबल क्लिक आहां के वही नेविगेट कर में सहायता करत। नोटिलस के साथ फाइल के खोल के लेल ओकर आइकन पर डबल क्लिक करू अथवा आइकन पर दाया क्लिक करू और ओपन विथ के विकल्प में एक चुनू। नोटिलस में एक नया फोल्डर बनाव के लेल सबसे पहले फाइल पर क्लिक करू और फिर क्रिएट न्यू फोल्डर पर क्लिक करू। आई के बाद आवा वाला डिफॉल्ट फोल्डर के नाम अनटाइटल फोल्डर के इच्छा अनुसार नया नाम द आई नोटी लिस्ट में सुरक्षित भ जात। फाइल या फोल्डर के कॉपी कर या प्रतिलिपि बनाव के स्टेप है। सबसे पहले एडिट पर क्लिक करू, फिर आइकन पर क्लिक करू अथवा राइट क्लिक करू और पॉप अप मेनू में कॉपी चुनो। अब अहां कॉपी केल गेल फाइल के अपन इच्छा अनुसार पेस्ट कर दियो। अहां निम्न प्रकार से कई नोटिलस विंडो सेहो खोल सके छी। पहले फाइल बनाओ। अब न्यू विंडो पर क्लिक करो। ई नया विंडो खुल जाए और अहां के फाइल या फोल्डर के दू स्थान पर ड्रैग करे में अनुमति देत। नया टैब खोल के लेल पहले फाइल पर क्लिक करू, फिर नया टैब। फाइल के ब्राउजिंग के लेल प्रयोग करे वाला स्थान के ऊपर दो टैब युक्त एक पंक्ति खुल जात। दूसरा पेन खोल के लेल व्यू पर क्लिक करे, फिर एक्स्ट्रा पेन पर। ई अहां के टैब या विंडो के माध्यम स्विच किए बिना ही दू स्थान पर एक साथ देख के सुविधा देत। अब नोटिलिस या डेस के प्रयोग क फाइल या फोल्डर के खोज सके छी। सबसे पहले नोटिलिस में गो सर्च करू, फाइल पर क्लिक करू या कंट्रोल के साथ एफ दबाओ या फिर जे खोज चाहे छी ओकरा टाइप करू। डेस में सबसे ऊपर सर्च बार में अहां केवल खोज के टर्म टाइप करू। अबंटू में लिब्रे ऑफिस सबसे अधिक लोकप्रिय सुइट है जे कि डिफॉल्ट रूप से स्थापित होत है। ई एकटा ओहने कार्य प्रणाली उपलब्ध करवेत है जे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सिर्फ आई के एक ही मुक्त स्वतंत्र सॉफ्टवेयर है। सब एप्लीकेशन तक लंचर के द्वारा पहुंचल जा सकते है। में निम्न घटक शामिल है जे कि दोसर ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग नाम से जानल जाते है। राइटर, वर्ड प्रोसेसर, कैल्क, स्प्रेडशीट, इम्प्रेस, प्रेजेंटेशन मैनेजर, ड्रॉ, ड्रॉइंग प्रोग्राम, बेस, डेटाबेस, मैथ, इक्वेशन एडिटर। की मुक्त स्वतंत्र सॉफ्टवेयर के विषय में सीख के लेल मजेदार लागल ने? चलू अब हम सब मजेदार गतिविधि में भाग ले। दीदी, की मोबाइल फोन व टेबलेट भी कंप्यूटर के जेका ऑपरेटिंग सिस्टम रखे छे? हाँ रोहन, आई काल मोबाइल फोन व टेबलेट भी पर्सनल कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम भी खूबिया रखत है। साथ ही साथ अन्य खूबिया जेना टच स्क्रीन, सेल्युलर, ब्लूटूथ, वाईफाई,
जीपीएस मोबाइल, नेविगेशन, कैमरा, वीडियो कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर, म्यूजिक प्लेयर या फिर बहुत सारा विशेषता है। अधिकांश मोबाइल फोन में एंड्रॉइड, विंडोज अथवा सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ओ, अच्छा, मोबाइल फोन के विषय में हम और बहुत कुछ सीखा चाहे छी, कि हमरा अहाँ और कुछ बता सके छी? हाँ रोहन, बिल्कुल, चलू अत्ता से हम सब शुरू करे छी कि एक मोबाइल फोन में विभिन्न सुविधा प्रयोग कोना कयल जाते छी। सबसे पहले अपना सब ई सीखे छी जे मोबाइल फोन में फोन कोना कयल जाते छी। कॉल करे के लेल यानी फोन करे के लेल कीपैड पर नंबर टाइप करू। यदि अहाँ के पास स्मार्टफोन अछि तऽ होम स्क्रीन पर होम आइकन पर जाऊ, अहाँ स्क्रीन पर नंबर पैड देखा लागत और ओहि पर अपन नंबर टाइप कर दियो। जै नंबर पर अहाँ बात करे चाहै छी तऽ ओहि पर अहाँ कॉल करू। ओकर बाद दायां तरफ हरा बटन अथवा कॉल करे वाला बटन दबाओ। स्मार्टफोन रहत हरा बटन पर टैप देखायत और स्क्रीन देखायत कि नंबर डायल भ रहल अछि और कनेक्ट भ रहल अछि। एहि तरह से अहाँ कॉल कऽ सकै छी। फोन समाप्त करे के लेल यानी काटे के लेल लाल बटन के दबाओ। आब अपना सब सीखब कि कॉल के जवाब कोना दी अथवा जे फोन आबे ओकरा उठाऊ कोना। हम जे पहले मिले ने छलिए नंबर, ओहि पर कॉल कोना करबे? आसान छे। सबसे पहले होम स्क्रीन पर दायां तरफ के जे बटन अछि ओकरा दबाओ। एकर बाद डायल कयल गेल जे भी प्राप्त नंबर अछि या फिर छूटल नंबर या फिर कॉल आयल कोनो भी नंबर, मिस कॉल होय, रिसीव कॉल होय, जे भी होय, ओकरा अहाँ नीचा ऊपर कक आराम से देख सके छी। सारा सूची अहाँ के दिखाई लागत। जेना स्मार्टफोन पर फोन आइकन पर टैप दियो, ई भी डायल कयल गेल, प्राप्त कयल गेल या फिर छूटल नंबर सब के सूची देखायत। एकर पश्चात नंबर चुनू और हरा बटन दबाओ। अहाँ कॉल इतिहास एना देख सकै छी। पहले स्टैंड बाय मोड में मेनू दबाओ। स्मार्टफोन होबा पर फोन आइकन पर टैप करू, तब कॉल रजिस्टर, कॉल इतिहास, कॉल लॉग चुनू। ओकर बाद ई प्राप्त कॉल, छूटल कॉल, डायल कयल गेल कॉल तीनों आराम से देखायत। जै टैब के अहाँ देखा चाहै छी ओहि पर क्लिक करू, ओ अहाँ के कॉल के सूची वा समय तिथि साथ में देखायत। स्मार्टफोन होबा पर सब कॉल के एक सूची में देखायत। हरा तीर प्राप्त कॉल, नीला तीर डायल कयल गेल कॉल वा लाल तीर जे छूटल कॉल के सारा कॉल के अहाँ के देखायत। अहाँ नंबर पर कॉल कर सकै छी, नंबर के संपर्क बुक में सुरक्षित कर सकै छी या ओहि पर संदेश भेज सकै छी। फोन में जो ध्वनि होइ छै यानी आवाज, ओहि के अहाँ निम्न स्तर रूप से अपना हिसाब से अनुकूल राखि सकै छी। सबसे पहले फोन के जे मुख्य स्क्रीन मेनू छै ओ बटन दबाओ। फिर विकल्प मेनू में सेटिंग पर क्लिक करू। ओकर बाद सेटिंग मेनू में साउंड आ ऑडियो विकल्प चुनू। ओकर बाद साउंड मेनू में वॉल्यूम विकल्प खोजो। रिंगर या रिंग टोन में वॉल्यूम के कंट्रोल पायल जाते। अंत में स्पीकर विकल्प पर चुनू।
और कीपैड के ऊपर नीचा क के वॉल्यूम के लेवल मिलाओ। अहाँ के स्मार्टफोन में आवाज के नियंत्रण करे वाला बटन बाहर होइत अछि, मात्र एमहर ओमहर दबा का आवाज के जे सेटिंग छे ओकरा अहाँ मिला सकै छी। दीदी, हम अपन मित्र अमित के फोन नंबर नाम अइ में हम लिख चाहै छी, से केना क सकै छी? अहाँ नया नंबर के एना जोड़ सकै छी। जब फोन स्टैंड वाइड मोड में होय तो सबसे पहले मीनू दबाओ। स्मार्टफोन होवा पर फोन आइकन पर टैप करू, तब मीनू विकल्प में अपन फोन के फोन बुक पर जाओ। ई होम स्क्रीन पर फोन के एक चित्र अथवा संपर्क फोन के फोन बुक या संपर्क से दिखाई देत। अब उपलब्ध विकल्प में न्यू कॉन्टेक्ट पर चयन करू। पहले जिस संपर्क के अहाँ जोड़ चाहे छी ओकर नंबर एरिया कोड स्क्रीन पर दिखाए वाला फॉर्म पर भरू। स्मार्टफोन में नंबर पैड पर अंक टाइप करू। तब फॉर्म में उपयुक्त स्थान पर अपन मित्र के पहला व अंतिम नाम लिखो। अब ओकरा संरक्षित करे के लेल सेव या एड टू कॉन्टेक्ट दबाओ, टाइप द के सुनिश्चित करो। अब नया संपर्क अहाँ के मोबाइल में जुट जायत। फोन में पहले से ही संरक्षित संपर्क के विवरण में एडिट करे के लेल संपर्क में नाम चुनो, एडिट के चयन करो, टाइप द के सही विवरण टाइप करो और फिर सेव चयन करो, टाइप दियो। अब हम अहाँ के ई सिखायब जे ककरो संदेश कोना भेज सके छिये। अब संदेश सेवा, फिर लिखो, संदेश के बनाओ और चयन करो। एक स्मार्टफोन में होम स्क्रीन पर मैसेजिंग आइकन होइत अछि, ओकरा खोजू, ओहि पर टिप दियो और अहाँ के देखा लागत कि संदेश के सूची खुल जात। संदेश बनाओ, संदेश लिखो, स्मार्टफोन में राइट मैसेज आइकन पर टिप दियो। टेक्स्ट बॉक्स में संदेश लिखो। चित्र या कुछ अन्य जोड़ के लेल विकल्प के चयन करू, फिर इंसर्ट ऑब्जेक्ट दबाओ। स्कॉलर क नीचा वंचित फीचर या ऑब्जेक्टर एट व्यू, फिर इंसर्ट दबाओ। नियमित स्थान पर प्राप्तकर्ता के नंबर लिखो, अथवा यदि अहाँ सुरक्षित केने छी तो कोनो संपर्क के संदेश भेजे चाहे छी तो फोन बुक पर क्लिक करू, संपर्क के चयन करू आ ओके पर क्लिक कर दियो। स्मार्टफोन में प्राप्तकर्ता के नाम के कुछ अक्षर टू कॉल में लिखो, फिर अहाँ के अपने आप पूरा नाम दिखाए लागत, फिर अहाँ वही बुक के सूची करू, फिर वंचित क के अहाँ टाइप करू। भेजा के लेल भेजू पर क्लिक करू या टाइप करू, प्राप्तकर्ता के मैसेज भेज देल जाए। जब अहाँ के संदेश प्राप्त होत तहन अहाँ के होम स्क्रीन में सबसे ऊपर लिफाफा के निशान आइकन पर दिखाई लागत। स्क्रीन पर एक बक्स में एक मैसेज रिसीव लिखल भेल दिखाय लागत। अब संदेश पढ़ू। दीदी, कि हम मोबाइल फोन के द्वारा इंटरनेट के प्रयोग क सके छिये? बिल्कुल रोहन, अहाँ आराम से क सके छी। अरे, ये तो बहुत अच्छा बात छे, मोबाइल फोन द्वारा इंटरनेट के प्रयोग करे के लेल हम कोना करबे? मोबाइल फोन द्वारा इंटरनेट के प्रयोग करे के लेल अहाँ के चाही एक मोबाइल फोन जे इंटरनेट
एक्सेस या उपयोगी समर्थित करित होए। एक मोबाइल फोन सेवा जे डाटा संचरण का समर्थन करित होए, जेना 2G, 3G और वाईफाई। फोन द्वारा इंटरनेट तक पहुंचे के लेल डाटा सेटिंग के साथ मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से एक खाता। बहुत सारा मोबाइल फोन डाटा अकाउंट सेटिंग के साथ ही आवेत अछि। यदि अहाँ के नहि अछि त अहाँ सेवा प्रदाता के ग्राहक सेवा केंद्र से बात कर सकै छी। अहाँ अपन स्मार्टफोन पर मोबाइल इंटरनेट सेवा एहि तरह से स्थापित कर सकै छी। सबसे पहले स्मार्टफोन के सेटिंग मेनू पर नेविगेट करू। स्मार्टफोन में ई SMS मेनू के सेटिंग आइकन के माध्यम से या कभी कभी नोटिफिकेशन बार के माध्यम से कैल जाते अछि। सेटिंग मेनू में अहाँ के वायरलेस व नेटवर्क सेटिंग खोजे पड़त। ज्यादातर उपकरण में मोर या मोर सेटिंग बटन जे भी उपलब्ध हो ओहि पर क्लिक करू। जब वायरलेस या नेटवर्क सेटिंग भ जायत अछि त अहाँ इंटरनेट वाईफाई या मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से जोड़ सकै छी। वाईफाई से जोड़ के लेल निम्न पद अनुसरण करू। पहले सेटिंग विकल्प से अथवा नोटिफिकेशन मेनू में वाईफाई बटन के क्लिक कर के वाईफाई विकल्प के चालू करू। आब अहाँ के उपलब्ध इंटरनेट नेटवर्क के सूची देखा लागत। यदि अहाँ वाईफाई नेटवर्क पहले से सेवा लऽ रहल छी त ऑटोमेटिक जुड़ जात, नहि त अहाँ के वाईफाई नेटवर्क जेमे जोड़ पड़त। पासवर्ड के आवश्यकता हो त इंटर करू और कनेक्ट पर क्लिक करू। इंटरनेट के उपयोग करे के लेल इंटरनेट ब्राउजर के उपयोग करू। इंटरनेट के लेल मोबाइल नेटवर्क जोड़ पहले वायरलेस व नेटवर्क विकल्प में मोर सेटिंग के विकल्प पर जाओ, तब मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करो। ओत अहाँ के मोबाइल डाटा चेक बॉक्स के चेक कर पड़त। आब इंटरनेट तक पहुँचे के लेल इंटरनेट ब्राउजर के उपयोग करो। कीपैड आधारित फोन में भी हर आदमी बड़ी आसानी से इंटरनेट के उपयोग कर सकैत अछि। पहले मेनू में जाओ, फिर इंटरनेट चुनो, तब या तो होम पेज के चयन करू, अन्यथा होम स्क्रीन में 0 के कुछ क्षण दबा कर रखो। ओकर बाद वेब एड्रेस एंटर करो और गो टू एड्रेस के चयन करो, तब एड्रेस इंटरनेट का ठीक से चुनो। वेब खोजे के लेल यदि अहाँ पहिल बेर सर्च कर रहल छी त सर्च के चयन करू और खोजे जाय वाला विषय के दर्ज करू और सर्च के चयन करू। हमर मोबाइल में रेडियो अछि, हम ओकरा कोना सुन सकै छी? रेडियो सुन के लेल सबसे पहले स्टैंड वाई मोड में मेनू दबाओ, तब मीडिया या फिर रेडियो पर जाओ। स्मार्टफोन अछि त मेनू में रेडियो आइकन पर टाइप करू, फिर फोन के संगत हेडसेट में जोड़ू। ई अहाँ के एक एंटीना के जका कार्य करैत अछि। एकर बाद ऑटोमेटिक अथवा मैनुअल ट्यूनिंग विकल्प के चयन करू, जे रेडियो चैनल अहाँ सुनय चाहै छी फिर ओकरा चयन करू। चैनल सेवा करू और विकल्प चुनू चैनल सुरक्षित करू। तब ऊपर नीचा स्कोलर का वॉल्यूम के सेट करू। रेडियो बंद करे के लेल विकल्प, फिर बंद करू या चेन का टीप दियो। बिल्कुल, हमरा इहो बता देव जे अहाँ के मोबाइल फोन पर गाना केना बजैत अछि। पहले स्टैंड वाई मोड में मेनू दबाओ, तब फोन में उपलब्ध एप्लीकेशन के देखा के लेल मल्टीमीडिया मेनू खोलू। म्यूजिक एप्लीकेशन मीडिया आ गैलरी के रूप में दर्शायल जायत अछि, तब म्यूजिक या साउंड के चयन करू। अपन मीडिया प्लेयर पर उपलब्ध
गाना के ब्राउजर करू वा ओय में से अपन डिवाइस पर बजाब के लेल एक गाना के चयन कक बजाओ। बाज रहल गाना के रोक के अथवा ओकरा पुनः बजाब के या फिर ओकरा पुश कर के तहां गाना बजाब रोक चाहे छी तहां बीच में पुश कर दी छी तहां के गाना बंद भ जात। एकेटा बटन है जे प्ले और पुश दुनू के कार्य करत। म्यूजिक प्लेयर से निकल के लेल दायां तरफ के लाल बटन के दबाओ। स्मार्टफोन में पुश बटन के टीप दियो। अहां के अपन फोन में गाना स्टोर करे के लेल मेमोरी कार्ड के आवश्यकता पड़त। अब कुछ ऐ तरीका के बारे में सीखे छी जे मोबाइल फोन से फोटो कोना लेल जाए। सबसे पहले स्टैंड वाई मोड में मेनू दबाओ, मीडिया चुनू और फिर कैमरा चुनू। स्मार्टफोन अच्छे त कैमरा आइकन खोज कर ओहि पर टिप दियो। तब डिस्प्ले स्क्रीन के व्यू फाइंडर के तरह प्रयोग करू। ऊपर नीचा कक जूम क सकै छी, फोटो लेवत समय बड़का आ छोटका क सकै छी। स्मार्टफोन में अंगली ल क फोटो लेत काल ओकरा फैला सकै छी या फिर छोट क सकै छी अंगली के हिसाब से। फोटो लेव के लेल सेलेक्ट या हाँ बटन पर चयन करू। स्मार्टफोन में कैमरा आइकन खोज कर ओहि पर टिप कर फोटो खींचू। सेव बटन के दबा कर फोटो के सेव करू। स्मार्टफोन में फोटो एल्बम या गैलरी में स्वयं सेव भ जात। ई कुछ तरीका अछि जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग कैल जा सकत अछि। मेनू में जाकर फोटो और फिर वीडियो कैमरा के चयन करू। स्मार्टफोन अछि त कैमरा आइकन पर टिप दियो। तब स्क्रीन के प्रदर्शन के व्यू फाइंडर के तरह प्रयोग करू। जूम इन और जूम आउट करे के लेल ऊपर नीचा उंगली से एम्हर ओम्हर करू। स्मार्टफोन में अपन उंगली के चुटकी के फैला कर अथवा छोट क कर स्क्रीन प्रदर्शित क्षेत्र के आकार के डबल क सके छी। रिकॉर्डिंग चालू करे के लेल रिकॉर्डिंग के चुनू। जो स्मार्टफोन होय त स्क्रीन पर मौजूद छोट लाल आइकन पर टिप दियो। रिकॉर्डिंग के रोक के लेल स्टॉप दबाओ। स्मार्टफोन होय त लाल आइकन पर फिर से टिप दियो। स्मार्टफोन में एल्बम या गैलरी में स्वयं संरक्षित भ जात अछि। मोबाइल फोन वा स्मार्टफोन तीव्र गणना के लेल उपयोगी होयत अछि। ई कोना संभव छै? कैलकुलेटर के द्वारा कैलकुलेटर कोना प्रयोग करबे से ई तरीका छे। सबसे पहले स्टैंड वाई मोड में मीनू दबाओ। अब ऑर्गेनाइजर और फिर कैलकुलेटर के चयन करू। स्मार्टफोन अछि त ओहि में कैलकुलेटर आइकन मीनू में खोज कर ओहि पर टिप दियो। फोन के नंबर फेड कर प्रयोग करय वाला नंबर लिखो। फिर जोड़ घटाओ गुना भाग फंक्शन के चयन करो। फिर दोसर अंक लिखो। फिर उत्तर जाना के लेल बराबर के चिन्ह दबा दियो या टिप दियो। धन्यवाद दीदी, अहां के कारण हमरा मोबाइल फोन के बारे में इतने जानकारी प्राप्त भेल। हमरा टेबलेट में भी दिलचस्प अछि, की अहां वही के बारे में जाने छिए? हाँ बिल्कुल रोहन, चलू हम टैबलेट के बारे में जानी छी। टैबलेट कंप्यूटर के छोट हल्का और अधिक प्रबंधनीय रूप छे। बेतार रहित लौ जायोग्य अंतर छे, जई में सूचनाओं तक पहुँचे के लेल अथवा प्रोसेस कर के लेल स्पर्श इनपुट के तरह से प्रयोग होत अछि। टैबलेट में ऊ ऑपरेटिंग सिस्टम होत अछि जे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उपलब्ध करवेत अछि, एप्लीकेशन के चला सकैत अछि। टैबलेट के सुप्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम छै एंड्रॉइड, विंडोज आ आईओएस। टैबलेट मुख्यतः दू भाग में बांटल गेल अछि, फोन सुविधा के साथ साथ कॉल सुविधा के बिना। टैबलेट जे कॉल के सुविधा के साथ होइत अछि ओ सिम कार्ड के लेल एकटा खाँच बनल होइत अछि।
अहां के कॉल कर के लेल, प्राप्त कर के लेल अथवा संदेश भेज व संदेश प्राप्त कर के लेल सिम कार्ड तथा कोनो मोबाइल नेटवर्क के कनेक्शन के आवश्यकता होइत अछि। टैबलेट जेमे कॉल सुविधा नहीं होइत अछि ओहि में सिम कार्ड के लेल खाँच नहीं बनल होइत अछि, लेकिन ओहि में अन्य सब सुविधा सामान्य होइत अछि। मुदा तैयो अहाँ इंटरनेट के प्रयोग से कॉल करय में समर्थ रहब। चलू आब हम टैबलेट के कुछ विशेषता के बारे में जाने छी। अधिकतर टैबलेट निम्न उद्देश्य के लेल प्रयोग होइत अछि। कॉल करय के लेल, कॉल प्राप्त करय के लेल, संदेश भेज व संदेश प्राप्त करय के लेल, गाना सुनय के लेल, फोटो खींच व वीडियो बनाब के लेल, वीडियो देख के लेल, ई पुस्तक पढ़ के लेल, इंटरनेट चलाब के लेल, ईमेल भेज व प्राप्त करय के लेल, म्यूजिक, फोटो और वीडियो अन्य सब किछ एक साथ राख के लेल। निम्न तरीका से टैबलेट पर म्यूजिक सुनल जा सकैत अछि। एप्लीकेशन मेनू पर जाओ, तब म्यूजिक पर टाइप कऽ कऽ बैकग्राउंड संगीत इंटरफेस के इंटर करू। आब अहाँ के म्यूजिक फाइल सूची के हाल में ही एल्बम कलाकार संगीत प्लेलिस्ट या शैलियों में उचित विकल्प के चयन कऽ कऽ वर्गीकृत कऽ सकै छी। फिर गाना के एक सेकेंड के लेल दबाओ यानी टीप दियो जेमे विकल्प मेनू प्रकट भऽ जायत। अइ के बाद अहाँ प्ले एड टू प्ले लिस्ट सॉफ आर्टिस्ट आ सर्च विकल्प में से कोनो एक के चयन करू। आब प्ले पर टीप कऽ पासवर्ड संगीत इंटरफेस के इंटर करू और फिर बजाव के लेल गाना पर टीप दियो। निम्न तरीका से टैबलेट में फोटो खींचल जा सकैत अछि। एप्लीकेशन मेनू पर जाओ और कैमरा आइकन पर टीप कऽ कैमरा इंटरफेस के इंटर करू। आब फोटो मोड चुनू, इच्छित फोटो मोड पर टीप दियो। कैमरा के विषय के और केंद्रित करू। ऑटो फोकस के सक्रिय करय के लेल स्क्रीन पर कोनो स्थान के छू और दबा कर राखो। फोटो लेव के लेल अंगुली के उठाओ। एप्लीकेशन मेनू पर जाओ और कैमरा आइकन पर टाइप द कऽ कैमरा इंटरफेस के इंटर करू। आब वीडियो मोड चुन के लेल फोटो मोड में पसंद कैल हुए आइकन पर टैप करू। कैमरा के विषय के और केंद्रित करू। टाइप द कऽ रिकॉर्डिंग शुरू करू। रिकॉर्डिंग बंद करय के लेल टाइप दियो। फोटो व रिकॉर्डिंग कैल गेल वीडियो के मिटाव के स्टेप्स छै। जै फोटो या वीडियो के अहाँ डिलीट करय चाहे छी, मिटाव चाहे छी, ओकरा खोजू। ड्रेस आइकन पर फोटो देखायत, जँ ओकरा अहाँ डिलीट करय चाहे छी तऽ ओहि पर टिप दियो। फोटो या वीडियो के मिटाव के लेल एहि पर टिप दियो। अहाँ फोटो और वीडियो एहि तरह से देख सकै छी। पहले एल्बम खोज कऽ ओहि पर टिप दियो। आगा के फोटो देख के लेल बाई के ओर धकेलू या फिर पाछा के फोटो या फिर वीडियो देख के लेल दाया के ओर धकेलू। वीडियो देख के लेल निम्न के अनुसरण करू। मेनू से पिक्चर और एल्बम खोलू। आब ग्रिड व्यू अथवा लिस्ट व्यू के प्रयोग कऽ जै वीडियो के अहाँ देख चाहे छी ओहि के खोलू। जै वीडियो के अहाँ देख चाहे छी ओहि पर टीप दियो। यदि प्लेबैक नियंत्रण प्रदर्शित नहीं भऽ रहल अछि तऽ ओकरा देख के लेल स्क्रीन पर टीप दियो। वीडियो रोक के निम्न पद छै।
जब वीडियो चल रहल होय त प्लेबैक के नियंत्रण देखा के लेल स्क्रीन पर टिप दियो। ओकर बाद वीडियो के रोका या फिर चलावो के लेल पॉज या फिर रीस्टार्ट पर टिप दियो। वीडियो पाछा कर अथवा तेजी से आगा बढ़ावा के सेहो पद छे। जब वीडियो चल रहल होय त प्लेबैक नियंत्रण देखा के लेल स्क्रीन पर टिप दियो। एकर बाद वीडियो के तेजी से आगा ल जाय के लेल प्रोग्रेस बार मार्कर के दाया और आ पीछा ल जाय के लेल बाया और खींचू। टैबलेट में ई बुक पढ़ा के लेल पहले टैबलेट में इंस्टॉल कैल हुए डिफॉल्ट बुक के रीडर पर जाओ, फिर बुक रीडर आइकन पर टिप दियो। ओकर बाद पहले इंस्टॉल कैल गेल किताब में से जे किताब पढ़ा चाहे छी ओकरा चयन करो। फिर किताब पढ़ा प्रारंभ करे के लेल बुक आइकन पर क्लिक। हम सुनने छी जे अहां अपन टैबलेट में से ईमेल भेज वा प्राप्त कर सके छी। हाँ रोहन, टैबलेट पर इंस्टॉल कैल हुए विशिष्ट एप्लीकेशन के प्रयोग करे के लगभग सब पॉप अप आ IMAP ईमेल पता उपयोग करे के लेल ईमेल भेजा वा प्राप्त करे के लेल क सके छी। चलू हम अहाँ के टैबलेट में ईमेल लिखा के तरीका बतावे छी। मेनू में इंटरनेट ब्राउजर आइकन पर क्लिक करो, फिर ईमेल आइकन पर क्लिक करो। एक विंडो खुलत जे के शीर्ष पर एक सेजित बार रहत। जय ईमेल सर्विस प्रदाता के उपयोग करे चाहे छी ओय URL इंटरनेट के उदाहरण के लेल www.gmail.com। अब देल गेल स्थान पर यूजर नेम व पासवर्ड द क साइन इन पर टिप दियो। अतः अई पृष्ठ पर कंपोजर राइट न्यू पर टिप दियो। नई विंडो में सेवा के क्षेत्र में ईमेल आईडी पर इंटर करो। विषय के क्षेत्र में विषय इंटर करो। बीच के खाली स्थान में संदेश इंटर करो। तत्पश्चात सेंड आइकन पर टिप दियो। प्राप्त ईमेल के पढ़ा के लेल पहले जब अहां के कोनो ईमेल प्राप्त होय त स्क्रीन पर सबसे ऊपर लिफाफा बनकर आवत अछि। आइकन के देखा के लेल स्क्रीन के नीचा खिसकाओ, नहीं तो मेनू में ईमेल भेजा वाला आइकन पर जाओ। आब आइकन पर टिप दियो। स्क्रीन पर अहां के ईमेल बॉक्स खुल जात। ईमेल पर टिप क और ओकरा पढ़ू। हम कोनो फाइल के टैबलेट में कोना खोजबे? टैबलेट में फाइल या फोल्डर खोजे के दू तरीका अछि। अहाँ या तो टैबलेट पर स्थापित फाइल मैनेजर के प्रयोग कर सके छी या तो होम स्क्रीन पर। फाइल मैनेजर के प्रयोग क होम स्क्रीन पर फाइल मैनेजर या फाइल ब्राउजर ऐप ढूंढ सके छी। ओहि पर टिप क सबसे ऊपर माई फाइल देखात। सूची से वंचित फाइल या फोल्डर खोजू, ओकरा खोले के लेल ओहि पर टिप दियो। सर्च इंजन के प्रयोग करू। होम स्क्रीन पर मैग्नीफाइंग ग्लास के जिका देखा वाला सर्च आइकन के खोजू। ओहि पर टिप दियो जैसा एक नया विंडो प्रकट भ जात। अहाँ देखबे कि एक सज्जित टैप में सर्च लिखल रहत। ओहि सूचना के अहाँ खोजे चाहे छी, ओहि सूचना के अहाँ पहचान शब्द लिखो। ऑनलाइन सर्च के परिणाम स्क्रीन पर आबि जायत। एकरा खोले के लेल वंचित पर टिप दियो। हम टैबलेट में संदेश कोना भेज सके छी? टैबलेट में संदेश भेजे के लेल निम्न अनुसार चल पड़त। हम होम स्क्रीन पर मैसेजिंग आइकन खोजू अथवा मेनू आइकन पर टिप दियो। सब एप्लीकेशन में मैसेजिंग आइकन खोजू। मैसेजिंग आइकन पर टिप देला के बाद अहां प्राप्त सूची देखू।
राइट न्यू आइकन खोजू जे कि स्क्रीन पर एक लिफाफे के साथ जमा के चिन्ह अथवा पेंसिल के साथ जमा के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित कैल गेल होइत अछि। ओहि पर टिप दियो। टू कलम में प्राप्तकर्ता के नाम के कुछ शब्द लिखियो। अहाँ कनेक्ट बुक से कुछ नाम के सूची देखत। वंचित नाम पर टिप दियो। ओ नाम टू कलम में छिप जात। राइट मैसेज पर टिप दियो और अपन संदेश लिख के शुरू करू। संभावित आइकन पर टिप दियो। अहाँ फाइल दस्तावेज फोटो या म्यूजिक फाइल अपने संदेश के साथ जोड़ सके छी। सेंड आइकन पर टिप दियो। अहाँ के संदेश भेज देल जात। एहि प्रकार से अहाँ प्राप्त कैल गेल संदेश पढ़ सके छी। जब अहाँ के संदेश प्राप्त हैत तहन अहाँ के स्क्रीन के ऊपर में मैसेजिंग आइकन दिखाय लागत अथवा होम स्क्रीन के मैसेजिंग आइकन पर एक अंक लिखल पायल जात जे कि प्राप्त नया संदेश के संख्या दर्शायत। ओहि पर टिप दियो। मैसेजिंग विंडो खुल जात जैसा प्राप्त भेल संदेश के सूची रहत जे में। फिर अहाँ जे संदेश पढ़ा चाहै छी ओकर ऊपर टिप दियो। हम टेबलेट के द्वारा इंटरनेट कैसे चला सकते हैं? बिल्कुल, मोबाइल के जेका टेबलेट के द्वारा इंटरनेट दू तरह से चला सकै छी। पहिल वाईफाई से जोड़ कर। टेबलेट वाईफाई निम्न रूप से जोड़ल जात अछि। सबसे पहले अहाँ अपन टेबलेट के सेटिंग मेनू में जाओ। वाईफाई के विन्यास या कॉन्फ़िगरेशन चित्र में देल गेल अहाँ के उपलब्ध इंटरनेटवर्क के सूची देखायत। अहाँ वाईफाई नेटवर्क सूचना चुनू जैसे अहाँ जुड़ चाहै छी। यदि पासवर्ड के आवश्यकता होय तो पासवर्ड द कऽ कनेक्ट पर क्लिक कऽ दियौ। इंटरनेट ब्राउजर के प्रयोग कऽ कऽ इंटरनेट चलाओ। अहाँ टेबलेट के भी मोबाइल नेटवर्क के द्वारा इंटरनेट से जोड़ सकै छी। एकर तरीका ई अछि। पहले ई सुनिश्चित कऽ लिअ कि अहाँ के टेबलेट में मोबाइल नेटवर्क वाला सिम कार्ड अछि। फिर टेबलेट के द्वारा इंटरनेट से जोड़ू। अहाँ नोटिफिकेशन बार के नीचा खींच सकै छी और मोबाइल डाटा विकल्प के चयन कऽ सकै छी। या अहाँ वायरलेस नेटवर्क विकल्प में मोर सेटिंग में जा सकै छी। फिर मोबाइल नेटवर्क बटन पर क्लिक करू जतय अहाँ के मोबाइल डाटा चेक बॉक्स के चेक करय के रहत। एक बेर मोबाइल पर क्लिक कला के पश्चात अहाँ के टैबलेट मोबाइल नेटवर्क प्राप्त करय शुरू कऽ देत। इंटरनेट चलाबय के लेल अहाँ के इंटरनेट ब्राउजर प्रयोग करय पड़त। दीदी, अहाँ कहने छलौ जे कुछ टैबलेट फोन के जेका प्रयोग कैल जा सकैत अछि, हम कोना कऽ सकै छी? जब अहाँ के टेबलेट बंद भऽ जाय तऽ अहाँ ओहि सिम कार्ड के स्लॉट में वैध GSM सिम कार्ड राखय पड़त। चलू आब हम देखै छी कि टेबलेट में फोन कॉल कोना कऽ सकै छी। होम स्क्रीन पर रिसीवर आइकन पर टिप दियौ। अहाँ जेकरा फोन करय चाहै छी ओ नंबर दबाओ। फिर रिसीवर आइकन टिप दियौ। ओकर बाद जब ओ जोड़ि जायत तऽ अहाँ बात कऽ सकै छी। अहाँ यदि संपर्क पुस्तिका अथवा संपर्क सूची से कोनो फोन करय चाहै छी तऽ निम्न पद के अनुसरण करू। पहले अहाँ टेबलेट के फोन बुक अथवा संपर्क सूची में जाओ। फिर ओकर नाम के खोजू जेकरा से अहाँ बात करय चाहै छी। ओकर बाद जेकरा से अहाँ बात करय चाहै छी ओहि नंबर पर टिप दियौ। फिर जेकरा से संपर्क करय चाहै छी ओहि नंबर पर यानी ओकरा नंबर पर दबा दियौ। फिर संपर्क जुड़ला के बाद बात करू। चलू हम अहाँ के टेबलेट के और विशेषता के बारे में बताबै छी। सच में रोहन, टेबलेट में बहुत सारा भाषा संचालित होइत अछि, बुझलियै? और अहाँ ओहि में कोन भाषा चलाबय चाहै छी
कोन भाषा अहाँ के आसान है, अहाँ के अपन भाषा कोन है, ओय के अहाँ चयन क सके छी और ओकरा चला। चलू हम सीखे छी जे एकरा केना निमित करी। सबसे पहले एप्लीकेशन मेनू में सेटिंग पर जाओ और सूची में से भाषा वा इंटर के चयन करू। फिर भाषा पर टिप दियो और अहा भाषा के सूची देखू। ओकर बाद वंचित भाषा पर टिप दियो, भाषा तखने सेट भ जात। अत अहा कीबोर्ड पर भी उ भाषा चुन सके छी जेकरा अहा इनपुट कर समय स्क्रीन पर देख सके छी। तिथि व समय निमित कर के लेल निम्न पदों के अनुसरण करू। एप्लीकेशन मेनू में सेटिंग पर टिप दियो और सूची में से तिथि व समय के चयन करू। ऑटोमेटिक के चुनू जैसा तिथि व समय श्वेत नेटवर्क के प्रयोग करैत हुए सेट भ जात, अथवा ऑटोमेटिक के निरस्त क के अपना अनुसार सेट करू। दीदी अहाँ हमरा टैबलेट में एप्लीकेशन इंस्टॉल करा के सिखा सके छी? हाँ बिल्कुल, एप्लीकेशन या ऐप टैबलेट के मुख्य विशेषता होइत अछि जे कि अहाँ के सेवा प्रदान करे के रास्ता आसान बना देत अछि। सबसे पहले टैबलेट के मेनू विकल्प में जाओ और फिर मेनू में प्ले स्टोर विकल्प पर टिप दियो। यदि शुल्क रहित एप्लीकेशन अछि तऽ अहाँ केवल इंस्टॉल बटन पर टिप दियो और अहाँ के टैबलेट श्वेत एप्लीकेशन के डाउनलोड वा इंस्टॉल कऽ देत। यदि ऐप के मूल्य अछि तऽ अहाँ पे के बटन देखी जै के दबाते ही एक पॉप अप बक्स खुल जात जै में ई सवाल रहत कि अहाँ ई ऐप खरीदा चाहै छी। हाँ के विकल्प चुनकर जेकर पुष्टि कैल जात पर अहाँ के डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के जानकारी वा भुगतानी के विवरण भर पड़त। फिर एप्लीकेशन के इंस्टॉल करे के लागी स्क्रीन पर आवा वाला निर्देशन के पालना कर पड़त। आप बस अभी के लेल एतवे रोहन कि मोबाइल वा टैबलेट के विषय में जानल मजेदार छल की? हाँ बिल्कुल दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मोबाइल फोन व टैबलेट के विषय में बहुत किछ जान गेलिए। अच्छा अब अपना सब के कोनो समस्या नहीं है, अब अपना सब मजेदार गतिविधि से चलाब।